कहते हैं इस लड़के से कि जॉब कर, लेकिन नहीं, पूरा दिन कैमरा लेके घूमना है। समझने की कोशिश करो, हमारी तैयारी को जब मौका मिलता है उसी इत्तेफाक को किस्मत कहते हैं। इन लोगों का तो रोज का है, घर की खिचखिच से परेशान हो गया हूं। कुछ खा के बिना निकले मजा नहीं आ रहा यार। अब नहीं सुनिएगा बात हमारी तो परेशान तो होइएगा ना। अब देखिए रिटायरमेंट होने वाला है तो रिटायरमेंट की तैयारी रखिए जी। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, इतना ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं है। ज्यादा ज्ञान अच्छा नहीं? यार भूख लग रही है। कहते हैं इस लड़के से कि जॉब कर। इतनी किटकिट के बाद कौन घर जाएगा, यही कुछ खा लेते हैं। क्या खाया जाए यार, तीन बार से तो चाइनीज खा ही रहे हैं, लव पिज्जा खाया जाए आज। एक पिज्जा ले आओ। सर पिज्जा तो आपने बहुत जगह खाया होगा, यहाँ पे चाइनीज बहुत फेमस है, एक बार आप ट्राई करिए। अरे पिज्जा ले यार। ओके सर, नो शुगर पिज्जा ले। आजकल सबको हर चीज मिलने तो बनता है। अब जो आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से देखिए बेस्ट प्राइस आपको दे सकते हैं, हम लोग भी तो पैसा कमाने ही ना बैठे हैं। कुछ हमारी बात भी रख लीजिए। अब क्या आपकी बात रखे साहब, उससे अच्छा तो आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, उससे ज्यादा पैसा कमा लीजिएगा इसमें। पैसा जिसको देखो पैसा, हमारा खाना दे दो बस। बड़ी देर लगा रहा है यार। आ गया। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं जरा कैसा है। हाय ब्रो, तेरे को कितना कॉल किया, तेरा फोन ही नहीं लग रहा है, मेरे को तो पता था तू इधर ही मिलेगा। इतना क्यों अकेले अकेले रहता है ब्रो, चिल मारना थोड़ा, बोलता हूँ सोशलाइज कर, लोगों से मिल, हम लोग के साथ रहे, इतना क्या मतलब अकेले बैठा रहता है। और बाय द वे निधि का फोन आ रहा था तो तू उससे बात क्यों नहीं करता है, वो तेरे को कितना पूछती रहती है किधर है किधर है, ये ले मैं फोन लगा के दे रहा हूँ, ले उससे बात कर तुरंत, अभी तुरंत बात कर, करना करना यार करना। क्या बोलो, परेशान तो होइएगा ना। अब देखिए रिटायरमेंट होने वाला है तो रिटायरमेंट की तैयारी किसी की जॉब कर, लेकिन पूरा दिन कैमरा लेके घूमना है। ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं है, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। किस्मत ही जाने, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू। समझने की कोशिश करो, हमारी तैयारी को जब मौका मिलता है उसी इत्तेफाक को किस्मत कहते हैं। हाँ बोलो भाई, हम लोग की मूवी नॉमिनेट हो गई आईएफपी में। चलो उनको हमारी मूवी पसंद तो आई। भाई ये बात तो सही बोले हो, पैकिंग किया जाए? हाँ चलो, देखो कहानी जहाँ ले जाती है। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने, ओ बेटा जी जीने का मजा। यार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, समझ नहीं आ रहा बड़ा। दिमाग खराब हो रहा है। अब देखो जो बना दिए आपने उनसे अच्छा ही बनाए, अब जो होगा देखा जाएगा। अब बस अब सारा दिमाग नहीं खराब करूंगा मैं। मम्मी भी अलग बोलेंगी, इतनी दूर गए हो पता नहीं क्या करने गए हो।
कभी जीतते ही नहीं हो। हाँ लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी जीतो तो इतना एक्सपीरियंस भी तो मिल जाएगा ना, कुछ सीख ही लेंगे इसी बार ने। और वर्कशॉप भी कितनी है और वहाँ कॉन्टैक्ट भी कितने बन सकते हैं, समझ नहीं आ रहा बड़ा। क्या यार दिमाग खराब हो रहा है। अबे देखो यार, हारने जीतने नहीं आया ना यहाँ पे। ये मूवी जो बन गई है ना, ये हमको यहाँ तक लेके आ गई है। अब जो भी हो, मूवी को एंड कैसे करना है वही सोचो बस, और बाकी सब रोज का है यार, कभी इधर कभी उधर। जो भसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलू देख ना सकू अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा दी मैं बोले कोई एक तारा दी मैं बोले कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई। पहली मूवी थी, एटलीस्ट नॉमिनेट तो हो गए, पर अब ये मूवी जो चल रही है इसकी एंडिंग देखनी कहाँ होती है। चलो पहले घर चलते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। तारा एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा।
गर जीत गए तो बात ही क्या, गर हार गए तो बात ही क्या। आज सफर में है, कल मंजिल मिलेगी, अगले दिन फिर सफर में निकलेंगे। गर सफर में रह गए तो बात ही क्या, गर मंजिल पे रुक गए तो बात ही क्या। ये कहानी चलती रहेगी, ये बातें चलती रहेंगी, क्योंकि एक कहानी का अंत दूसरी कहानी की शुरुआत है।